पॉकेट रेडियो एफएम वाला। एक गांव में एक जमींदार हुआ करता था। शादी होकर सालों हो गए मगर उनके बच्चे नहीं थे। एक बार जमींदार की पत्नी गर्भवती हुई। जमींदार बहुत खुश हुआ। थोड़े महीनों के बाद वो एक खूबसूरत लड़के को जन्म दी, मगर वो बच्चा लगातार रोते ही जा रहा था। डॉक्टर आकर उसे देखकर, क्या हुआ, ये बच्चा क्यों रो रहा है, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस बच्चे की सेहत तो बिल्कुल ठीक है, एक काम करेंगे नर्स, तुम जाकर मेरे रूम में से हेडफोन्स और मिनी टेप रिकॉर्डर लाओ, जाओ, कहा। नर्स जाकर उन्हें लाकर डॉक्टर को दी। डॉक्टर ने वो हेडफोन बच्चे के कानों पे लगाकर टेप रिकॉर्डर चालू किया। उसमें से गाने आने लगे। बस वो बच्चा एकदम से रोना बंद कर दिया। वो देखकर उसके माता पिता हैरान हो गए। डॉक्टर तब, देखे तो लग रहा है कि इस बच्चे को गीत संगीत बहुत पसंद है, इसलिए जब भी ये रोने लगे तो तब इसे गाने सुनाओ, कहा। जमींदार वाले उसे मिलिंद नाम रखकर बहुत लाड प्यार से देखने लगे। वो हर दम कानों में हेडफोन्स रखकर गाने सुनते ही रहता था। अगर कोई हेडफोन निकालते तो उसे बहुत गुस्सा आता था। एक बार स्कूल में टीचर हेडफोन निकालने के लिए बोली कहकर स्कूल को जाना ही बंद कर दिया। थोड़े साल बीते, अब मिलिंद बड़ा हुआ। अब वो पॉकेट एफएम सुन रहा था। उसमें आने वाले गाने सुनकर नाचते हुए झूम रहा था। एक बार वो हेडफोन पहनकर चल रहा था तो एक कार में थोड़े लोग एक बच्ची को किडनैप करके कहीं ले जा रहे थे, मगर अचानक से वो कार एक जगह पर रुक गई। एक किडनैपर, ए, क्या हुआ, जल्दी कार क्यों रुकी है, देखो जल्दी उतरो, कहा। एक उतर कर बॉनेट उठाकर देखने लगा तो इतने में मिलिंद वहां पर आकर, हे 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 या या हे ला 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 कहकर डांस करने लगा। किडनैपर तब, तुम कौन हो, शराफत से यहां से चले जाओ वरना हमारे हाथों मारे जाओगे, कहा। मगर मिलिंद उनकी परवाह करे बिना, हे 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 हो हो हे 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 कहकर नाचने लगा। एक और चोर, लगता है ये कोई खतरनाक आदमी है, सुना है कि इस एरिया का एसपी भेस बदल कर घूमते रहता है, क्या पता ये वही हो, मैंने ये भी सुना है कि वो एनकाउंटर करने से पहले नाचता है, कहा। वो तब, बापरे एनकाउंटर करेगा, ए चलो यार भागते हैं, कहकर वहां से भाग गए। बाद में उस बच्ची का पिता पुलिस वालों के साथ वहां पर आया। बच्ची तब, पिताजी यही अंकल ने मुझे बचाया है, इन्हें देखकर वो चोर भाग गए पिताजी, बोली। पिता तब, भाई बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कहा। तो उसकी बातें उसे सुनाई नहीं देने के वजह से वो नाचते हुए ही ओके ओके कहकर हाथ हिलाया। एक बार थोड़े चोर बैंक में घुसकर बंदूक दिखाकर सबको धमकाकर पैसे लूटने लगे। मिलिंद एक चक लेकर गाने सुनते हुए बैंक के अंदर आया। वहां पर किसी की परवाह करे बिना सीधे कैशियर के पास जाकर चेक देकर, हे 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 हु 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 कहकर नाचने लगा। कैशियर उसे देखकर अब क्या करना है समझ नहीं पा रहा था। चोर उसे देखकर दंग हो गए। एक चोर आकर मिलिंद से, ए, तुम कौन हो, शराफत से एक कोने में जाकर खड़े हो जाओ नहीं तो मारे जाओगे, कहकर उसे गन दिखाया। मिलिंद उसकी परवाह करे बिना, हे 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 या हे 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 कहकर झूमने लगा। अब चोर को बहुत गुस्सा आया। वो, क्यों रे मुझे क्या समझते हो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो तुम हेडफोन में गाने सुनोगे, कहकर हेडफोन्स छीन लिया। बस मिलिंद गुस्से से आग बबूला हो गया। ए कौन है रे तू, मेरे हेडफोन्स निकालने की हिम्मत कैसे की, कहकर उसे एक खींच के मारा। बस बाकी के चोर उसे मारने आए मगर मिलिंद उन सबको खूब पीटा। उसके मार बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण वो चोर वहां से भाग गए। ये देखकर वहां के लोगों ने तालियां मारी। मिलिंद उनकी परवाह करे बिना नीचे गिरे हेडफोन्स आराम से पहनकर चेक कैशियर को देके पैसे लिया और हु हु हे 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 ला 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 कहकर नाचते हुए चला गया।